और एक 3,500 का, 3,500 का ये है, आपको बड़ा सा रूम है ये वाला। और इसके सामने ही किचन है। अभी मैं बैग को लेकर पटना पहुंच चुका हूं और अभी मैं जाऊंगा ऑडियंस को रूम दिलवाने। तो मेरा अभी से पटना में ही दो को वेट कर रहे हैं, तो मैं अभी उनके जाऊंगा। और अभी मेरा देख सकते हो सामान वामान सारा कुछ मैं पैक कर लिया हूँ। अभी मैं रूम पर जाऊँगा, 10 मिनट भी रेस्ट करूँगा, पता नहीं उतना भी रेस्ट कर पाऊँगा कि नहीं। तो फिलहाल मैं जाकर थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, फिर जस्ट ही निकलना है क्योंकि मुझे 16 तारीख को जाना है। तो मुझे जल्द से जल्द सारा काम करना पड़ेगा, जितना भी लोग मेरे से लेना चाहते हैं मैं उनको सारा कुछ दिलवा के जाऊँगा, चाहे उसके लिए मुझे जितना भी मेहनत करना पड़े। तो चलो बने रहना। फाइनली दोस्त के घर पे आ चुके हैं, तो इसका जो रेंट है मैं आपको दिखा देता हूँ। पता है इसका रांची में अभी तो देखिए ना गरीब जैसा रहता है पूरा, बाकी क्या बोलूँ पटना में ना इसका इतना रंगदारी चलता है, मतलब यहाँ का रंगदार है भाई। हाँ बाकी पढ़ने लिखने में भी तेज है, और देखिए कैसा रूम में रहता है। और वो घर रह गया, बोला कि भाई अमित भाई तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं तुमको चाबी देता हूँ। तो मैं अपना सामान यहाँ पे कुछ फल उल भी ले आया कि भाई मैं तो खाना बनाऊँगा नहीं, दो दिन मैं यहाँ पे रहूँगा तो 2 दिन के लिए क्या खाना बनाऊँगा, क्योंकि खाना बनाने भी नहीं आता। तो पता है इसका रूम है, पता था गरीब जैसा रहता है, क्या बोलूँ मतलब पैसा बहुत है इसके पास बट गरीब जैसा रहता है। इसका रेंट ओनली 1600 रुपया है, जिसमें दो अपना भाई मिल के रहता है और कभी कभी मैं आ जाता हूँ इसका रूम पे भड़कने। तो चलिए मैं आपको कुछ कुछ रूम देखा हूँ, मैं उसका वीडियो दिखा देता हूँ इसका भी कितना बजट है, कैसा रूम है। और आप जैसे लोगों को रूम ही दिलवाने आया हूँ मैं यहाँ पर, सबको पता ही होगा कि मैं कहाँ आया हूँ, पटना आया हूँ। तो आते ही मैं दो लोगों को समटा दिया, दो लोगों क्योंकि पहले ही बताया कि स्टेशन पर वेट करें। तो मैंने दो लोग को, एक कपल्स थे, तो मैं आप सबको पता है कपल्स का वीडियो नहीं बनाता, एक फैमिली वाले थे, तो फैमिली वाले बोले कि देखिए वीडियो में मैं नहीं आता हूँ, थोड़ा गवर्नमेंट जॉब करते थे तो उनको मैं 8,000 का 2 BHK फ्लैट दे रहा था, बोला वीडियो में नहीं आता हूँ तो थोड़ा आप 300-400 रुपये एक्स्ट्रा ले लीजिए, बाकी वीडियो नहीं बनाए। मतलब कोई बात नहीं, 300-400 रुपये एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप बोलते हो तो नहीं बनाऊँगा। हाँ बट आपके लिए भी मैंने रूम देखा है, 2400 कार के रूम, एक रूम है, किचन है, और एक लड़का मतलब दो लोग आप और एक बगल वाला लड़का, दो ये लोग वॉशरूम को यूज़ करोगे, वीडियो देख लो पहले। देखो ये रूम है 2400 का है, सिंगल रूम है, बुकों का स्टोर करने के लिए भी जगह, खिड़की भी यहाँ पे है, इधर भी है, ऊपर भी है, हाँ ऊपर बॉक्स भी हो रहा है वहाँ पे सामान वामान रखने के लिए। और इस साइड में ही किचन है, यहीं पास एक किचन है। ये किचन है, स्पेस का किचन और वॉशरूम इधर है आपका, सेपरेट है ना आंटी? वो दिन भर लाइब्रेरी में रहेगा। और ये वॉशरूम है आपका, और ये लेटरिन है यहाँ पे, ये है लेटरिन आपका, 2400 रुपये रेंट है। अच्छा लगा रूम ना? बट चलिए एक 1 BHK का रूम के अंदर ही है, मतलब पूरा अंदर ही सारा वॉशरूम लेटरिन सारा कुछ सेपरेट मिलेगा। इससे पहले मैं दिखा देना चाहता हूँ अभी मैं कहाँ हूँ, तो इधर देख सकते हो सारा ही जो रेंटर एरिया है, यहाँ पे सगरों रेंट ही लगता है, बस ओनली रेंट रेंट रेंट। इधर जितना भी देखोगे ना सब यहाँ पे है कि रेंटर भरा रहेगा आपका, और उधर भी देख रहे हो उधर रेंटर भरा रहेगा, इधर भी जो जितना भी फ्लैट है, इधर घर देख रहे हो ना, जितना भी घर देख रहे हो ना भाई सब रेंट पे है, मतलब सारा कुछ रेंट पे मिलने वाला, तो टेंशन मत लो रेंट मिल जाएगा। तो उससे पहले मैं एक दिखा देता हूँ 1 BHK रूम जो ओनली 3500 का, तो उसका वीडियो देख लो। और एक 3,500 का, 3,500 का ये है, आपको बड़ा सा रूम है ये वाला। और इसके सामने ही किचन है आपका छोटा सा, और आपका ये वॉशरूम हो गया, वॉशरूम भी काफ़ी साफ सुथरा है, कंडीशन में आपका है। और इधर बुकों का स्टोर करने के लिए आपका छज्जा भी दिया हुआ है, टेबल वेबल लगा सकते हो, अच्छा स्पेस है ग्राउंड फ्लोर में आपका। वॉशरूम, और यहाँ पे अगर बाइक वाइक आता है कभी कभी, और इसका अलग से मीटर लगा हुआ है आपका, जितना मीटर आप उठाइएगा उसका अलग से पे करना पड़ेगा। दादी का क्या रिक्वायरमेंट है, इनका रिक्वायरमेंट कि अगर भाई बहन है तो देखो भाई अपना फैमिली लोग से बात करवाना पड़ेगा,
भाई बहन प्रूफ दे, प्रूफ से भी हो जाएगा। बाकी क्या बोलते हैं कि आपका मम्मी पापा आ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आजकल तो एडिट वेडिट करके भी आधार कार्ड यहाँ पे लोग होते हैं जो रूम ले लेते हैं, तो मम्मी पापा से बात कराना जरूरी है भाई बहन रह रहा तो। बट अगर आप बैचलर हो, आप लेना चाहते हो, तो भाई बैचलर हो तो आराम से मिल जाएगा। खाली एक ही डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका डॉक्यूमेंट बस आधार कार्ड का फोटो कॉपी, उस पर सिग्नेचर, आपका नंबर, और जल्द से रूम बुक करो। कहाँ पे भैया? कंकड़बाग साइड है। फैमिली, स्टूडेंट, कपल्स कोई भी ले सकते हो। कपल्स में आप बता दिए क्या क्या डिमांड है, और बाकी स्टूडेंट हो तो कोई डिमांड नहीं, और फैमिली हो तो कोई डिमांड नहीं, आराम से जाओ, शिफ्ट रहो। चलो आगे बताता हूँ। आगे मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखो, रूम तो सारा कुछ दिखा दिया, कल और मैं रूम देखूंगा, कल का वीडियो या परसों अपलोड होगा या उसके एक दिन बाद अपलोड होगा, बाकी अपलोड 100% होगा, उसमें कौन कौन सा मैं रूम दिखाता हूँ। बट अभी आपको जिनको भी रूम लेना है, जैसे दिल्ली में भी मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, कोलकाता, न्यू टाउन, मतलब ऑल ओवर इंडिया में आप जहाँ भी रूम चाहिए अभी, क्योंकि ज़्यादा चांसेस मिल जाने का, क्योंकि बहुत लोग छठ में गाँव जाते हैं तो कितना लोग खाली करके चल जाते हैं, कितना लोग ऐसे छोड़ के चल जाते हैं, तो बहुत लोग ज़्यादा सिचुएशन में होता है कि खाली करके ही चल जाते हैं, क्योंकि एक महीना जाकर घर रहते थे, एक महीना रेंट फ्री में लगे, इसलिए खाली करके ही चल जाते हैं। तो आप जल्द से जल्द रिक्वायरमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द रूम अवेलेबल करवा दूं। चलिए, नेक्स्ट वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो जय हिंद।